हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, ठीक है। अब देखो, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पहलव वंश के बारे में, ठीक है। पहलव मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? वो ईरान के निवासी थे। अब देखो, पहलवों के बाद कुषाण भारत में आए, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, पहलवों के बाद कुषाण भारत में आए। जैसे मैंने अभी भी कहा था, पहलवों के बाद कुषाण भारत में आए, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, कुषाण चीन के यूची व तोखरी जाति से संबंधित थे। जो कुषाण थे, जो कुषाण वंश के थे, वो चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, यूची नाम का कबीला 5 कुलों में बट गया था, जिनमें से एक कुल था कुषाण, ठीक है। अब देखो, जो कुषाण थे वो यूची व तोखरी जाति के थे, ठीक है। लेकिन जो यूची नामक कबीला था वो 5 कुलों में बट गया था, और उनमें से एक कौन था? उनमें से एक था कुषाण, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, ठीक है। जो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कौन था? कुजुल कडफिसेस था। आगे बात करते हैं, कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क था, ठीक है। जो कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो कौन था? वो कनिष्क था। आगे बात करते हैं, अब कनिष्क का शासन काल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक था, ठीक है। जो कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कनिष्क, उसका शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक था, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, कुषाणों की दूसरी राजधानी या उपराजधानी कहाँ थी? मथुरा थी, ठीक है। जो पहली राजधानी तो कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। अगला पॉइंट आता है इसमें, 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्य सत्ता संभालते ही एक संवत चलाया, जिसको उसने नाम दिया था क्या? सत संवत, ठीक है। 78 ईस्वी में जब कनिष्क राजा बना तो उसने एक नया संवत चलाया, जिसको बोलते हैं सत संवत। आगे बात करते हैं, सत संवत को भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो सत संवत है उसको भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। आगे बात करते हैं, अब अगला पॉइंट आता है इसमें, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट आता है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। अब जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने चारों जो बौद्ध संगीति थी उसका वर्णन किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी बात करते हैं हम थोड़ा बौद्ध संगीति पे। अगला पॉइंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अब देखो, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जो कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, उस स्थान पे हुई थी, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष किसकी उपाध्यक्षता में हुई थी? अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। ये याद रखें कि आता है कभी एग्जाम में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अगला पॉइंट आता है, कनिष्क ने अपना साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर सारनाथ वाराणसी तक फैला दिया था, ठीक है। जो कनिष्क था काफी शक्तिशाली शासक था, तो उसने क्या किया? अपना साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर सारनाथ वाराणसी तक फैला दिया था। आगे बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे, ठीक है। जो भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के थे वो किसने जारी किए? वो कुषाणों ने ही जारी किए, ठीक है। इनकी स्वर्ण मुद्रा गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उच्च कोटि की थी। गुप्त काल में भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी, लेकिन जो कनिष्क ने जारी किए स्वर्ण सिक्के वो उच्च कोटि के थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कनिष्क काल में 3 प्रकार की मुद्राएं जारी की गई, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मुद्राएं जारी की गई, ठीक है। अब देखो, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा का चित्र, ठीक है। जो मुद्राएं थी उनपे क्या अंकित था? यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा का चित्र, ठीक है। दूसरे प्रकार की मुद्रा किस टाइप की थी? ईरानी देवता और अग्नि का चित्र था उसपे, ठीक है। और तीसरा बुद्ध का चित्र था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, चरक कनिष्क के दरबार का एक महान आयुर्वेद चिकित्सक था। वह कनिष्क का राज वैद्य भी था, ठीक है। कौन? चरक। चरक कनिष्क के दरबार का एक महान आयुर्वेद चिकित्सक था, ठीक है। और वो कनिष्क का राज वैद्य भी था। आगे बात करते हैं, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। किसकी? चरक संहिता की, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब अश्वघोष कनिष्क का राज कवि था, ठीक है। कौन? अश्वघोष कनिष्क का राज कवि था, ठीक है। अब देखो, अश्वघोष का जिक्र फिर से हो गया, ठीक है। अश्वघोष का जिक्र मैंने पहले भी किया था, आपको याद होगा,
जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो किसकी उपाध्यक्षता में हुई थी? अशोकघोष की उपाध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अशोकघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों का रामायण भी कहा जाता है, ठीक है। अशोकघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों का रामायण भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अश्वघोष ने सूत्रालंकार की उत्कृष्ट रचना की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र ने महाविपास सूत्र की रचना की थी। किसकी? महाविपास सूत्र की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। और वसुमित्र की अध्यक्षता में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आप वसुमित्र और अश्वघोष को अच्छे से याद रखें, इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्षता हुई थी आपकी वसुमित्र की अध्यक्षता में, और उपाध्यक्षता में हुई थी आपकी अशोकघोष की, ठीक है। आगे बात करते हैं, मदर कनिष्क के राज दरबार का महान राजनीतिज्ञ था। कौन? मदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कनिष्क के शासन काल में कुछ अन्य महान विभूति भी थे, ठीक है, जैसे पहला नागार्जुन, दूसरा पार्श्व, तीसरा महाचेत, चौथा वसुमित्र, पांचवा संग्रक्ष, ठीक है। आगे बात करते हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक रचना है माध्यमिक सूत्र, ठीक है। क्या? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। किस पुस्तक में? माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कौन? वसुदेव था, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ, ठीक है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला पॉइंट आता है, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाए थे। क्या? देवपुत्र कहलाए थे, और यह उपाधि उन्हें चीनियों से ली थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो फिलहाल कुछ ये थे कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं लगातार ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।